महाराजगंज जनपद के थाना निचलौल पुलिस एसओजी व स्वाट टीम की निचलौल क्षेत्र अंतर्गत लुटेरे बदमाशों से हुई मुठभेड़। एक बदमाश मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार। एक अदद देसी तमंचा जिंदा कारतूस। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल लूट के 14,000 रुपये नकद बरामद। थाना निचलौल क्षेत्र अंतर्गत घोड़ावा चौराहा स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर असलहे के दम पर अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना निचलौल पर मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया गया था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के पर्यवेक्षण में 3 टीमें गठित की गई थी। CCTV फुटेज व अन्य माध्यमों से अभियुक्त मनीष यादव का नाम प्रकाश में आया था। प्रकाश में आए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु स्थानीय पुलिस एसओजी व स्वाट टीम लगाई गई थी। इसी बीच 28/29/6/2023 की रात्रि में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मनीष एवं उसके साथी अभियुक्त गण सफ़ेद अपाची मोटरसाइकिल पर सवार होकर नेपाल के रास्ते सिसमा की तरफ जाने वाले हैं। सूचना पर पुलिस टीमें करमहिया जंगल के पास देर रात्रि लगातार चेकिंग काबिंग कर रही थी कि करमहिया जंगल के रास्ते प्रातः 4 बजे एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पास आने पर उस पर 3 लोग सवार दिखाई दिए, जिन्हें रोककर प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया गया। जवाब में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया। भागने के चक्कर में उक्त मोटरसाइकिल गिर गई। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल हो गया, जिससे गिरफ्तार किया गया एवं इलाज हेतु नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके अन्य 2 साथी अंधेरे व जंगल का लाभ उठाकर जंगल के जरिए फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जंगल में टीमें लगातार काबिंग कर रही है। घायल बदमाश की पहचान मनीष यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी मड़ार बिंदवलिया थाना नेमुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1 अदद देसी तमंचा, 315 बोर 1 अदद जिंदा व 1 अदद खोखा कारतूस, लूट के 14,000 नकद व घटना में प्रयुक्त एक सफ़ेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त को अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय भेज दिया जा रहा है। दिनांक 16 जून को निचलौल क्षेत्रांतर्गत SBI के ग्राहक सेवा केंद्र पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। इसके पश्चात तत्काल थाना निचलौल पर 392 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इस घटना के अनावरण के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल जानकारी के आधार पर इसमें एक अभियुक्त मनीष जो कुशीनगर का रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया था, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही थी। इसी बीच जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मनीष व अन्य अभियुक्तगण अपाचे गाड़ी से सिसवा की तरफ जाने की फिराक में है। इस सूचना पे तत्काल थाना पुलिस व स्वाट और SOG टीम द्वारा करमैया जंगल के पास इसमें चेकिंग व कॉम्बिंग की कार्रवाई की जा रही थी देर रात से। आज प्रातः 4 बजे एक अपाचे पे 3 सवार व्यक्ति आते दिखाई दी। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी उन पर फायर की गई। इस घटना के पश्चात तत्काल भागने के क्रम में जो अभियुक्तगण हैं उनकी बाइक पलट गई और उसमें जो एक अभियुक्त है मनीष, उसके पैर में चोट आई है, उसे गिरफ्तार किया गया। जबकि 2 अन्य व्यक्ति जो उस गाड़ी पर सवार थे वो अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल में फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें लगी हुई है, कॉम्बिंग कर रहे हैं हम लोग। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मनीष बताया, मनीष यादव, जो नौरंग नौबंगिया थाना अंतर्गत कुशीनगर का रहने वाला है। उसके पास से एक सफ़ेद अपाचे जो लूट की घटना में प्रयोग में लाई गई थी वो बरामद हुआ है। साथ ही एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और साथ ही 14,000 रुपये जो लूटी गई रकम थी उसमें से ये पैसे बरामद हुए हैं। इसमें कुछ अभियुक्तों का नाम भी मनीष द्वारा बताया गया है, अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है।
टीमें लगातार अभी इसमें काम कर रही है और जल्द ही अन अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।